haunted YouTube channel, XyZ Learning Classes. My name is Saurabh Mandirata and I'm here to teach you mathematics and science for class 9th and 10th and mathematics for class 11th and 12th. So, today we're going to continue our chapter, the last part of the chapter, which is division algorithm and their questions as well for exercise 2.3 and optional 2.4. So today we're going to discuss the important questions and examples of NCERT. So in the previous video, we already have discussed with you what are the basics of the polynomials for division algorithm. So please, students who have not seen the videos yet for the previous classes or sessions, please watch it so you'll understand the concepts properly and you'll master your skills, and then you'll be able to do your questions properly from NCERT or from any other book. Thank you so much. So aaj hum jo hamara questions hain, jo examples hain, wo hum discuss karenge. So today I'm continuing from NCERT page number 33. Example 6 is given to you. Simple questions hain. Ye division algorithm aapne jo hai wo 9th mein bhi kiya hua hai. To ek baar please, main pehle bhi bahut baar bol chuka hu. Previous videos mein maine bataya hai ki aapko 9th ka chapter number 2nd jo usko ek baar revise karna hai. ठीक है, रिव्यू देना है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, थ्योरम्स क्या है, सो ऑन, और उनकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं. चलिए आते हैं. तो वीडियो यू प्ले फ्रॉम एग्जांपल नंबर 6. ओके, बहुत सिंपल है. मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा कि कैसे डिवीजन एल्गोरिथम कैरी ऑन करते हैं. सिंपल दिया हुआ, डिवाइड 2x स्क्वायर, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है. डिवाइड 2x square. Students, we're doing NCERT over here. We're discussing NCERT. Please remember. Okay. We'll do extra questions as well. Divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. तो आपको ये जो है, ये क्या है? This is a quadratic polynomial. This is a linear polynomial. आपको इसको इसे divide करना है. ठीक है? तो ये हमारा क्या हुआ? Dividend. और ये हमारा क्या हुआ? Divisor. आपको पता है ना कि डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है? लास्ट क्लास में क्वेश्चन था मैंने. तो दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर. नाउ वी गोना डिवाइड दिस. ओके, सो बाय यूजिंग डिवीजन मेथड फॉर डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर सिंपल लिख लेते हैं फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. हम सिंपल और सिंपल करते हैं फॉर पॉलिनोमियल्स, बस ओके, इतना काफी. ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमें इसको और इससे डिवाइड करना है. अब सबसे पहले जरूर चेक कर लें कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो जनरल फॉर्म में है या नहीं है. जनरल फॉर्म क्या होती है? अगर हमारे पास पॉलिनोमियल लीनियर होगा तो फॉर्म क्या होगी उसकी? ए एक्स प्लस बी. अगर हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा तो उसकी फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी फॉर्म क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अगर हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसकी फॉर्म क्या होगी? ए एक्स की पावर 4 बी एक्स का क्यूब सी एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस ई. तो ये हमारे पास क्या हुआ? दीज आर दी फोर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस फॉर दिस चैप्टर और फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इन क्लास 10. तो यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक. ओके, तो अब हमें जरूर इसको फॉर्म में लिखना है. मान लीजिए अगर क्वाड्रेटिक वाला आपको ये ना दिया होता, आपको दिया होता 2x स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या करते? आपको ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म डिवाइड टर्म मिसिंग है, तो आप क्या करते? 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 लिखते. तो आपको पहले अपना पॉलिनोमियल जो है हमेशा जनरल फॉर्म में लिखना है. जनरल फॉर्म में लिखने से आपको बेनिफिट मिलेगा. जनरल फॉर्म में लिखने से आपके लिए इजी होगा कैलकुलेशन करना. आइए, तो अब हम डिविजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं, डिविजन मेथड लगा रहे हैं. पॉलिनोमियल पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, बहुत सिंपल है. कैसे करते हैं? जो डिविडेंड है वो अंदर आएगा, विच इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ठीक है जी, मैं आपके लिए मेथड रिपीट कर रहा हूँ जो आपने 9th में ऑलरेडी किया हुआ है. फिर भी जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता वो समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा. ध्यान दीजिएगा कैसे करना. तो सबसे पहले हमारे पास ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है. जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें करना क्या होता है? फर्स्ट टर्म को देखते हैं हमेशा. ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई. अब इस फर्स्ट टर्म को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें
जो इसका कोफिशिएंट है यानी 2 जो कौन सी वैल्यू ले रही है ये एग्जैक्ट वैल्यू से नीचे आनी चाहिए सेम विद द ऑपोजिट साइन सॉरी विद द सेम साइन ओके तो हमें इस डिवाइजर को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है यानी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई लेके आएंगे वो मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर ठीक है क्वेश्चन बन जाएगा यहां सॉरी तो हमें एक मल्टीप्लायर चूज करना है सच दैट वो मल्टीप्लायर की से जो हमें वैल्यू मिलेगी यहां बनेगा 2x2 उसके अलावा कुछ बनेगा वो डजंट मैटर फॉर यू ठीक है तो यानी हम x प्लस 2 को मैं यहां पर कर रहा हूं साइड में हम x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो मल्टीप्लाई किया इज 2x2 प्लस 4x तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हो गया मल्टीप्लायर इज 2x आई होप कि सबको विजिबल होगा ये ओके तो हमारा मल्टीप्लायर क्या हो गया मल्टीप्लायर इज 2x हियर तो यानी हमने मल्टीप्लायर क्या लिया मल्टीप्लायर लिया 2x तो वैल्यू आ गई 2x2 यहां पे हो गया माइनस अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा 2x2 प्लस 4x आगे वाले में करते हैं इसको ये वैल्यू हो गया हमारे पास हमारा मल्टीप्लायर हो गया तो हमें 2x² लेके आना था इसलिए हमने 2x मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया प्लस 4x आ गया अब आप याद रखिएगा लाइक टर्म के नीचे आएगी ये भी ध्यान रखना है लाइक टर्म जो होगी वो लाइक टर्म के नीचे आएगी अब ये मत पूछेगा लाइक टर्म्स क्या होती हैं अलजेब्रा में अब अगर ये नहीं आता तो फिर सिक्स स्टैंडर्ड की अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी आपको ठीक है तो आइएगा तो 2x² और 2x² माइनस हो गया प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं ना अब ये टर्म कैंसिल होगी प्लस 3x माइनस 4x इज माइनस 1x प्लस 1 अब ये हमारे पास अगला डिविडेंड आ गया डिविडेंड सॉल्व किया अब नेक्स्ट डिविडेंड आ गया हमारे पास इसको हम डिवाइड करते हैं इससे अब मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस सेशन में क्या बताया था रिमाइंडर जो बचेगा यहां पर अगर इसकी डिग्री जब तक डिवाइजर यानी gx ये हुआ रिमाइंडर ये हुआ डिवाइजर ये मैं आपको बेसिक्स दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार जो प्रीवियस क्लास में समझाया आपको मैंने जो रिमाइंडर की डिग्री है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से क्या आनी चाहिए कम आनी चाहिए जब तक ये डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं आएगी तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे ठीक है यानी x प्लस 2 लिखा यहां पर अब हमें क्या चाहिए यहां पर देखो डिग्री सेम है अभी डिग्री कम नहीं हुई ना यानी यहां पर से कांस्टेंट आएगा डिग्री 0 हो जाएगी ओके तो यानी x मल्टीप्लायर क्या होगा हमारा अगला मल्टीप्लायर होगा माइनस 1 तो होगा माइनस 1x माइनस 2 तो यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1x यानी माइनस 2 ठीक है आर यू क्लियर तो यानी ये हो गया माइनस का ऑपोजिट प्लस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस का ऑपोजिट प्लस को सब्ट्रैक्ट करते हैं कट गया प्लस 1 प्लस 2 इज प्लस 3 तो दिस इज योर रिमाइंडर अब देखिए रिमाइंडर की डिग्री जो है 3 यानी वी गॉट कांस्टेंट कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है कांस्टेंट की डिग्री होती है 0 तो हमारे पास रिमाइंडर बचा उसकी डिग्री जो डिवाइजर है उससे छोटी आ गई This is the way of dividing one polynomial from another polynomial, dividend and divisor. ठीक है? तो ये example 6 था आपको मैंने explain किया और आप यहाँ पे verify कर सकते हैं क्या करना है verify में आपके पास आपको पता है by division algorithm क्या होगा division algorithm px is equals to gx into में qx plus Rx ये आपका डिविजन एल्गोरिथम है px equals to gx into में qx plus rx आप ये लेफ्ट साइड की वैल्यू पुट करिए जो rx है उसके इक्वल आ जाएगा ये आपका रिमाइंडर हो गया ठीक है जी ये रिमाइंडर हो गया ये आपका क्वेश्चन हो गया ठीक है जी और ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है डिविडेंड px यहां पे डिवाइजर यहां पे क्वेश्चन यहां पे और रिमाइंडर यहां पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो LHS equal to RHS आ जाएगा तो it will verify the division algorithm यानी हमारा division जो है वो सही है अगर ये verify नहीं होता है ठीक है आप इसको fail भी कर सकते हैं और affirm भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर उसने पूछा है कि verify करिए तो verify करना पड़ेगा आपको अगर नहीं पूछा है तो आप रफ में करके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिमाइंडर सही आ रहा है या नहीं आ रहा तो LHS equal to RHS आ जाएगा यू कैन डू इट इजीली इन 9 में किया हुआ आपने ओके थैंक यू सो मच
Now, please pause karke note down kar lete hain. Then I'm going to the next example. Okay? Thank you. अब आते हैं अगले एग्जांपल पे. एग्जांपल नंबर है 7. ओके, उसमें डिवाइड करने का सिस्टम है. चलो मैं कर लूं फिर आपके लिए एक और एग्जांपल करते हैं. ओके, आई डोंट हैव एग्जांपल नंबर 7 पर क्या है. तो एग्जैक्ट सेम करना है बिल्कुल एग्जांपल 7. अब एग्जांपल 7 को उसने कहा डिवाइड. अगेन हमें डिवाइड करना है. क्या डिवाइड करना है? पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स. अब हमें पी एक्स दिया हुआ है एक वैल्यू और जी एक्स दिया हुआ है. पी एक्स कितना दिया हुआ है? 3x³ + x² पी एक्स दिया हुआ है 3x³. पी एक्स इज 3x³ + x² + 2x + 5 और हमें जी एक्स दिया हुआ है x² + 2x + 1. ओके, तो हमें इसको डिवाइड करना है इससे. ठीक है, ये पी एक्स है, ये जी एक्स है. 3x³ + x² + 2x + 5 x² + 2x + 1. आप याद रखिएगा ऑर्डर, आपको बता रही मैंने, आपका ऑर्डर से होना चाहिए. पावर 3 2 1 0 3 2 1 0. ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है पॉलीनोमियल. इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको जनरल फॉर्म हमेशा चेक करनी है डिवीजन करने से पहले. नाउ डिवाइडिंग, नाउ डिवाइडिंग, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको. तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3x³ + x² + 2x + 5 डिविडेंड हो गया. डिवाइजर इज x² + 2x + 1. अब आपको बताया था मैंने, हमें मल्टीप्लायर चूज करना है. मैं दोबारा यहां रेफरेंस बता रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए मल्टीप्लाई कैसे. दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको. मैंने एग्जांपल 6 में एक्सप्लेन किया कि हाउ टू चूज अ मल्टीप्लायर. अब यहां पर भी हम मल्टीप्लायर चूज करेंगे. अब हमें एग्जैक्टली ये वैल्यू लेके आनी है 3x³. सो x² शुड बी मल्टीप्लाई, सॉरी, हमारा जो पूरा पॉलीनोमियल है x² + 2x + 1 शुड मल्टीप्लाई टू व्हाट? टू गेट 3x³. तो हम इस टर्म से बनाएंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3x लेना पड़ेगा. जब हम 3x लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 3x³ + 6x² + 3x आ गया. यानी हमारा बनेगा 3x³ + 6x² + 3x. हमने मल्टीप्लाई क्या लिया? मल्टीप्लाई लिया 3x. फिर हमें एग्जैक्ट सेम चाहिए होता है, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाद में. ठीक है, विद सेम साइन, विद एवरीथिंग सेम. हमें एग्जैक्ट ये टर्म नीचे लेके आनी होती है सेम वही वही. ठीक है, और आपको बताया लाइक टर्म्स जो होंगी, लाइक एल्जेब्रिक टर्म्स जो होंगी, ठीक है, उनको हमेशा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी. कौन से टाइप? ठीक है, क्लियर हो गया. लेकिन आंसर हो जाएगा, इट विल बी x² - 6x² - 5x² + 2x - 3x - 1x + 5 कैरी हो जाएगा नीचे. ओके, नाउ माय नेक्स्ट वैल्यू इज दिस. सो माय नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज -5. अगला मल्टीप्लायर क्या होगा? -5 क्यूब. ओके, जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -5x² - 10x और -5. वैल्यू आ गई -5x² - 10x - 5. ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया. ओके, मतलब इट्स कैंसिल हो गया. कटा नहीं, कैंसिल हो गया. -1 + 1 + 10 = -9x. This is +5 + 10 = +10. अब ध्यान दीजिए, इसकी डिग्री जो है, रिमाइंडर आ गया मेरे पास. ये रहा, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर आ गया मेरे पास. अब ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं? रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? 1. ठीक है जी, और डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 2. तो रिमाइंडर की डिग्री जो है, जब डिवाइजर से छोटी आ जाएगी तो हम वहां पर अपना डिविजन स्टॉप कर देंगे. रिमाइंडर और ये क्या है? डिवाइजर. अब इसके बाद हम आगे डिविजन नहीं करेंगे. तो रिमाइंडर जब हमारे पास आ जाएगा तो उसकी डिग्री जब छोटी आ जाएगी डिवाइजर से तो वहां पर अपना हम डिविजन स्टॉप कर देंगे. उस आगे डिविजन नहीं करना आपको. ठीक है, थैंक यू सो मच. ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 7 था. अब इसको भी वेरीफाई करना है. प्लीज वेरीफाई करिएगा, वेरीफाई डिविजन एल्गोरिथम. ठीक है, ठीक है जी, कैसे वेरीफाई करेंगे? जो पी एक्स है वो आएगा इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स एनी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ये रिमाइंडर आपके पास
ये रहा आपके पास क्वेश्चन हो गया ये वाला, ये रहा और रिमाइंडर ये रहा, तो सॉल्व कर देंगे इसके बाद. ओके थैंक यू सो मच. तो ये हमारे पास था एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7. प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. ओके थैंक यू. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 9. एग्जांपल नंबर 9. ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. So next example is example number 9. आइए तो example number 9 करते हैं आगे. Example आपको दिया हुआ है find the zeros of the given polynomial 2x to the power 4 and so on. If you know that two of zeros are root 2 and minus root 2. दिया हुआ है. Okay, the given polynomial Px has two zeros or solutions which is root 2 and minus root 2. तो हमारे पास given polynomial क्या है? Given polynomial is 2x to the power 4 minus 3x का cube minus 3x square plus 6x minus 2. This is which type of polynomial? This is bi-quadratic. याद आया आपको? Power 4 है, सही है? अब इसके दो zeros दिए हुए हमें. Bi-quadratic में भी हमें 4 zeros. हमें दो दिए हुए हैं, दो और निकालने हैं. ठीक है? तो अब हमें एक zero दिया हुआ है. X is equal to root 2 is the first zero, first solution. X is equals to minus root 2 is the second solution. अब दो solution हमें दिए हुए हैं, बाकी दो और निकालने हैं. ठीक है? अब अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास दो solution है, ये solution है और ये solution है. जब इस polynomial के ये दो solutions हैं, दो zeros हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे हम factors create कर सकते हैं, इनसे हम factors create कर सकते हैं और फिर हम एक इनको combine करके एक quadratic factor बनाएंगे. A factor of quadratic polynomial form लेकर आएंगे. देखिए कैसे? क्यों? अभी इसको क्यों कर रहा हूँ मैं? आपको explain करूँगा अभी. कमेंट दीजिए. ठीक है? X minus root 2 is equals to 0 and X plus root 2 is equals to 0. First factor, second factor. अब इन दोनों factors को multiply कर लेंगे. Multiply करिए आइए. X minus root 2 and X plus root 2 is equals to 0. Multiply किया, I'm so sorry. Multiplying the above factors. Multiplying the above factors. पर मैंने x minus root 2 into x plus root 2 is equals to 0. तो x square minus root 2 का square. अब ये मत पूछेगा कौन सा formula लगाया? Formula क्या लगाया है? A minus b into a plus b is a square minus b square. ठीक है जी? फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए साइड में. वैसे यहां करना होता है, यहीं कर देता हूं. बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इनटू a प्लस b लगा दिया. सॉल्व किया तो क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 2. स्क्वायर से रूट कैंसिल. अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों हुआ? ये तो पता ही होगा ना आपको, है ना? पता है ना? वरना फिर a साइन की मैथमेटिक्स. ठीक है जी? आपको बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैथमेटिक्स फर्स्ट वीडियो में, the number system and algebra and the basic fundamental functions of mathematics, addition, subtraction, multiplication, division. तो अगर आपको basics नहीं आएगा, तो concept समझ में नहीं आएगा. और क्या मैंने बताया था आपको एक बार? ठीक है? Okay, चलिए करते हैं आगे. तो x square minus 2 is equals to 0. Okay, तो ये हमारे पास जो है, एक combined factor आ गया. This is a factor, say gx of given polynomial px.
तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके कॉमन फैक्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा gx को, तो gx की जनरल फॉर्म क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, ये आ जाएगा, ठीक है जी, जनरल फॉर्म आ गई इसकी, ओके डन। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, इसमें डिवीजन करने के लिए। अब ये जो पॉलीनोमियल है इसका ये फैक्टर है, तो जब ये इसको इससे डिवाइड करेगा, ठीक है, जब ये इसको इससे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो वो यूज करके हम इसके बाकी दो फैक्टर्स या बाकी दो जीरो या सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे, ओके। नाउ मैंने आपको अभी ये बताया था, अभी मैंने आपको ये बताया कि इससे और इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि मल्टीप्लाई करके आप क्रिएटेड अ कंबाइंड फैक्टर, व्हाई व्हाई आई एम गिविंग यू द रीजन, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड अलजेब्रा, समझ में आ गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ नहीं आया अलजेब्रा आपको तो फॉलो व्हाट, फॉलो नंबर सिस्टम, ठीक है। मैथ्स में दो ही चीजें होती हैं, या अलजेब्रा या नंबर सिस्टम, अलजेब्रा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा नंबर सिस्टम, वही घूमेगा पूरी मैथ्स में, आइएगा। तो नंबर सिस्टम किसे कैसे पता लगेगा हमें, अब मान लीजिए मैंने एक फैक्टर नंबर लिया 24, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब 24 के दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक 3 और एक 4, सही है, ओके। वैसे इसके फैक्टर निकालोगे आप क्या आएंगे, 3 आएगा, 2 आएगा, 2 2 4 3 12 और 12 2 is 24 आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है, इसका इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं आप, कह सकते हैं सर। तो ये 3 ए 2 ए 2 ए 2 आ गया, अब ये 2 आया हमारे सामने और 3 आया, ठीक है। अब 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स हैं। अब 2 और 3 को कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने 3 और 2 को कंबाइन किया मल्टीप्लाई कर, कितना आ गया 6, क्या 6 24 का फैक्टर है, है। यानी अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग नंबर है या वैल्यू है उसके दो फैक्टर हैं, अगर हम दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, वो ऑपरेशन लगेगा ही नहीं, वो फंडामेंटल फंक्शन लगेगा ही नहीं, क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्यों। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर आएगा, नंबर आएगा, वैल्यू आएगी, जो इसको डिवाइड करेगी, देखिए डिवाइड कर रहा है, कर रहा है आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही 3 into 4 कर लीजिए, तब भी आ जाएगा 3 into 4, 3 into 8 कर लीजिए, कितना 24 आ जाएगा वापस। तो यानी हमारे पास अगर दो फैक्टर दिए हुए हैं, अगर उनको हम कंबाइन करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक कंबाइंड फैक्टर कॉमन फैक्टर आ जाएगा, उसी वैल्यू का जिसे फैक्टर हमें निकालना है, ओके, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ऐसे यहां पर ये इसके दो फैक्टर थे, फैक्टर 1 फैक्टर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ऐड नहीं किया, ऐड नहीं करना, सबट्रैक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, रीजन और लॉजिक तो मैथमेटिक्स है, वही सीखना है आपने, और कहां मिलेगा सीखने को, XYZ लर्निंग क्लासेस, थैंक यू। तो x माइनस रूट टू, x प्लस रूट टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, कल मल्टीप्लाई आपने वैल्यू आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई है, x स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो इसलिए gx जो है हमारे पास क्या बन गया, अ कंबाइंड फैक्टर, अ फैक्टर विद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ गिवन पॉलीनोमियल px, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि इस साल मतलब 2019 में 20 में हमारा सिलेबस जो है वो एडवांस थोड़ा सा हुआ था, उसमें एमसीक्यूज ऐड हुए, फिर इनकम प्लान ऐड हुए, लॉजिकल रीजनिंग ऐड हुई, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ऐड हुए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं जो को पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में, और वो चैप्टर पढ़कर समझ में आएगा, ओके, थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम कहां तक पहुंचे, हमने कंबाइंड फैक्टर निकाल लिया, अब ये कंबाइंड फैक्टर जो है, ये कंबाइंड फैक्टर जो है हमारे पास, ये रहा x स्क्वायर माइनस 2, ये इसको इसको डिवाइड करेगा, जब ये डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ नाउ Now px divided by gx, since gx is the factor of px, then remainder will come out
टू बी जीरो कैसे लगाई लगाया आपको क्या लगाएंगे यहाँ पर फैक्टर थ्योरम लगा दी मैंने फैक्टर थ्योरम की वजह से रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर क्या होता है रिमाइंडर इज आर एक्स रिमाइंडर इज आर एक्स रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो आएगा दिस इज माय फैक्टर थ्योरम आई एम डूइंग द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप विद यू स्टेप बाय स्टेप आई एम सो सॉरी स्टेप बाय स्टेप फॉर यू सो आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी यू शुड नो कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे हमें क्वेश्चन में जो हम चीजें फॉलो कर रहे होते हैं रूल्स लगा रहे हैं तो रूल मेंशन करना है आइए डिवाइड करते हैं ओके चलिए आइए हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप यहां पे है व्हिच इज px डिवाइड बाय gx अगर हम करेंगे तो gx इज द फैक्टर ऑफ px देन rx रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम यानी जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो बाय फैक्टर थ्योरम जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा वो 0 आएगा सही है तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं आइए तो हमारे पास डिविडेंड क्या है व्हिच इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल px is 2x to the power 4 minus 3x ka cube minus 3x ka square plus 6x minus 2 is that clear aur ye value hai yahan par x square divisor is x square minus 2 this is the divisor we have okay x square minus 2 ab ye dividend hai ye divisor hai ab dividend ko divisor se kya kar rahe hain डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड करेंगे तो अब आपको मैं बताया था पिछले दो एग्जांपल्स में एग्जांपल 6 और 7 में हमें मल्टीप्लायर कैसे लेने हैं टेकिंग डायरेक्टली ओवर हियर फॉर द क्वेश्चन तो पहला मल्टीप्लायर क्या होगा 2x का स्क्वायर क्योंकि हमें यहां पर 2 से पावर 4 लेके आना है तो x से पावर 4 * 2 कर देंगे तो क्या आएगा 2x से पावर 4 ठीक है माइनस 2 * 2 इज 4x स्क्वायर यानी माइनस 4x स्क्वायर ठीक है, सही ओके यानी ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का कैंसिल आउट द वैल्यू इज माइनस 3x का क्यूब प्लस माइनस इज सबट्रैक्शन साइन बढ़ेगा आएगा 1x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 अब नेक्स्ट मल्टीप्लायर क्या लेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज माइनस 3x क्या होगा माइनस 3x का क्यूब एंड दिस इज 6x क्लियर ठीक है ओके तो ये हो गया माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कैंसिल कैंसिल लाइक टर्म के नीचे आएगा आपको मैंने एक्सप्लेन किया था अभी ओके तो मल्टीप्लायर चूज करना है उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ओके तो क्या बचा यहां बचा 1x का स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 2 सेम है ओके तो प्लस 1 कर देंगे व्हिच इज 1x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल हो गया ये बचा 0 आ गया रिमाइंडर 0 अब ये डिवाइजर ये रिमाइंडर ये डिविडेंड ये क्वेश्चन सही है तो अब हम क्या यूज करेंगे विल यूज डिविजन एल्गोरिथम आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में अभी दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं तो ये है डिविजन हमने डिविजन कर दिया अब वी विल अप्लाई नाउ वी विल अप्लाई डिविजन एल्गोरिथम नाउ वी विल अप्लाई डिविजन एल्गोरिथम For px and gx, dividend and divisor. आइए अप्लाई करते हैं थियरी तो आप पॉज करके प्लीज आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए थैंक यू मूविंग ऑन ठीक है जी अब हमें क्या करना है हमें इसका डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है लगाना है इसको आइए लगाते हैं तो बाय डिविजन एल्गोरिथम क्या होगा px इज इक्वल्स टू gx इनटू में qx प्लस रिमाइंडर rx मैं px को ऐसे ही लिख रहा हूं व्हाट इज dx gx इज x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 रिमाइंडर इज 0 px is equals to x square minus 2 into 2x square minus 3x plus 1 आपको कुछ याद आया ठीक है जी पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने
अगर मेरे पास कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो पीएक्स हमारे पास क्या है, पीएक्स है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। और उसको हमने दो में ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक कर दिया, वी हैव ब्रोकन डाउन द पॉलिनोमियल इनटू टू पार्ट्स व्हिच इज क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक। मैं को बताया था बाय क्वाड्रेटिक दो में ब्रेक होगा, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइजर दिया हुआ, डिवाइजर था ना ये, ये डिवाइजर था, दिस इज डिवाइजर, डिवाइजर ठीक है। अगर ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा डिवाइजर होगा, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो उसको हम ब्रेक करेंगे क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक में, फिर फर्दर दो फैक्टर इसके और दो इसके, आगे आपके पास चार फैक्टर, और जो चार फैक्टर्स आएंगे वो लीनियर में आएंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है क्लास में, लास्ट क्लास में वीडियो बोलना प्लीज आके देख ले, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे आपके सामने है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग इट अगेन टू माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेप्ट आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लीजिए, बिना कॉन्सेप्ट आए आप उसको मास्टर नहीं कर पाएंगे, प्लीज वेरी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, तो आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसके फैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, है ना, याद है किससे बनाया था हमने, इसको हमने किससे बनाया था आपको याद होगा, कैसे बनाया था, x माइनस रूट टू, इसी क्वेश्चन में किया है x प्लस रूट टू, तो वन और दो फैक्टर हमारे पास आ गए, बिकॉज ये हमें पहले से दिया हुआ है, हमें बाकी दो और निकालने थे, निकालते हैं अभी, और इनटू दिस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, लिखेंगे नाउ सॉल्विंग सॉल्विंग क्यू एक्स, कैसे इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं, सॉल्विंग क्यू एक्स बाय, भाई बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड व्हिच इज कॉल्ड फैक्टर मेथड एज वेल, ओके, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे, लगाइए। तो हमारे पास क्या था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमें नहीं आता मिडल टर्म मेथड, अगर नहीं आता होगा तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ये सेम टॉपिक है फोर्थ चैप्टर में, व्हिच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताएंगे आपको, फिर भी आपको नहीं आता बताइएगा, हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नाइन्थ में किया होगा आपने, आपने एक्स में भी किया होगा एक्चुअली में, ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं आगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे हम, करते क्या है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है 2 आ गया, ये बात है। इसको हमें ब्रेक करना होता है कि हमें ये मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, कैसे करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, आप इन दोनों मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 * 1 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच की टर्म्स को ऐसे ब्रेक करना होता है विद द वैल्यू कि इनको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट बन जाए, 2 और 1 का प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है जी, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, आगे नीचे जा के इसको यहां पे ताकि विजिबल रहे थोड़ा सा आपको, ठीक है, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 2 कॉमन आ गया x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया x माइनस 1 व्हिच विल बी x माइनस 1 इनटू ब्रैकेट में, आई एम सो सॉरी टू सॉल्व ब्रैकेट में 2x माइनस 1, ठीक है। तो वी गॉट टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, कौन सा सॉल्व किया हमने, हमने सॉल्व किया है qx, तो qx को हमने दो पार्ट्स दो फैक्टर्स में लीनियर इनटू लीनियर में ब्रेक कर दिया, ओके। तो qx को हमने लीनियर इनटू लीनियर में ब्रेक कर दिया, एक मिनट चेक करूं विजिबल है नहीं, सॉरी ओ परफेक्टली विजिबल, ओके। तो ये लीनियर इनटू लीनियर में ब्रेक कर दिया मैंने, किसको qx को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यानी इसके दो फैक्टर, अब इसके भी दो फैक्टर आ गए, तो we got all the four factors for the given by quadratic polynomial and the question is solved, zeros निकाल दिए हमने सारे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अगला स्टेप, इसके बाद वाला ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल था px,
ओके उसको हमने ब्रेक कर दिया चार फैक्टर्स में, किस किस में, x माइनस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू नाउ, ठीक है जी, एंड वी हैव x 2x माइनस वन, सो सॉरी एंड x माइनस वन, तो हमारे पास इन चारों से क्या आएंगे सॉल्यूशन आ जाएंगे, x माइनस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, x प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, 2x minus 1 equals to 0 और x minus 1 equals to 0, x की value root 2, x की value minus root 2, ठीक है, x की value 1 by 2 और x की value 1, तो ये दो हमें जो zeros हैं वो given थे और ये दो हमने find out कर लिए, x is 1 by 2 और x is 1, get tally answer, ठीक है, तो आप इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, तो दीज आर द फाइनल आंसर्स फॉर यू, ओके ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स आज जो हमने किया वो था पॉलीनोमियल पार्ट 3, तो इस पार्ट में हमने ये सीख लिया कि हमें जो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दिए हैं वो कैसे करने हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके अलावा अब हमारे पास जो एक्सरसाइज बची है वो बची है 2.4 ऑप्शन ऑफ एनसीईआरटी व्हिच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, एंड जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं, तो हम आपको यहाँ पर हर चैप्टर से रिलेटेड मिनिमम टू मिनिमम बेस्ट 10 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं उनके कि हाँ ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये टाइप आता है एग्जाम में, वो आपको हम हर चैप्टर के एंड में कराएंगे, तो अगले पार्ट में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, टू कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड टू टर्मिनेट दिस चैप्टर एज वेल, वी डिस्कस ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिक्वायर्ड, type of questions required and the optional exercise as well. Thank you so much. Thanks for watching and I hope you must have learned a new style of learning today. Thank you so much again. Please like, share and comment. I'll see you in the next video.